अस्सलामु अलैकुम। कुक विद फेम की खास पेशकश संडे चिकन फ्राई। यूट्यूब पर पहली बार बैचलर स्पेशल चिकन की रेसिपी है ये। मजे की होने के साथ साथ इसे बनाना भी आसान है। और इसी के साथ मेरा दूसरा चैनल बिरयानी कोइन भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट पिन कर दूंगी। इस चैनल पर आपको आसान, बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले रेसिपीज मिल जाएंगे। संडे चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चिकन। चिकन के पीसेस छोटे साइज में कट कर लें। ये बोनलेस चिकन है यानी बिना हड्डी का चिकन। आप चाहें तो विद बोन यानी हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए पीसेस देखिए इस तरह से, बस हमें छोटे साइज में ही कट करना है। अब नेक्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इंग्रीडियंट्स। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए 2 टेबल स्पून, आधे नींबू का रस, नमक डाल दें 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून दही डालिए, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा तेल डालिए। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन के साथ ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। चिकन अच्छे से मैरिनेट होने के बाद एक पैन में 1/4 यानी 1/4 कप तेल गरम करिए। तेल हमारा हल्का सा गरम हो चुका है, बहुत ज्यादा गरम ना करें। अब ये चिकन डाल दें, इसे इस तरह से स्प्रेड कर लें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम को हाई पे ही रखिए, 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पे इसे फ्राई होने दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब टर्न करके फ्राई कर लें इसे। याद रखिए फ्लेम को हाई पे रख के ही इसे फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम लो पे कर देंगे तो इसमें से पानी निकलेगा और ये सही से फ्राई नहीं होगा। चिकन के पीसेस हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब फ्लेम बंद कर दें और ये चिकन के पीसेस एक प्लेट में निकाल लें। अब चिकन के पीसेस निकालने के बाद ये तेल हमें फिर से गरम करना है। गरम होने के बाद इसमें डालिए 1 बड़े साइज की प्याज, मैंने देखिए 1 बड़े साइज की प्याज, 3 हरी मिर्च, थोड़े से धनिया के पत्ते और करी पत्ता, इन सभी को बारीक चॉप कर लिया है। तेल गरम हो चुका है, ये डाल दें। अब इसे शैलो फ्राई करिए। और इसी के साथ 15 से 20 लहसुन के कलियां क्रश करके डाल दें, या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है चिकन में। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में स्प्रेड हो रही है। अब इसे हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ज्यादा नहीं वरना ये जल जाएंगे। अब ये चिकन डाल दें, फ्राई किया हुआ चिकन डालने के बाद फिर से मिक्स करते जाइए और इसे फ्राई करते जाइए। चिकन तो हमारा गल चुका है फ्राई करते वक्त ही, क्योंकि ये बोनलेस पीसेस हैं और बहुत छोटे हैं, जल्दी गल जाता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप डाल दें। मिक्स करिए फिर से। आखिर में इसमें आधे नींबू का रस डाल दें। फिर से आखिर में बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालिए, मिक्स करिए और फ्लेम बंद कर दें। रेडी है हमारा सुपर टेस्टी, खुशबूदार और डिलीशियस संडे चिकन फ्राई। फ्लेम बंद कर दें। इसी के साथ बिरयानी क्वीन चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक नीचे है।